मेरे आज के मेहमान हैं मोहसिन अब्बास हैदर। आप जानते हैं वो कितने शरारती हैं, कितना अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि जो जितना हंसता है उसके पीछे कुछ और ही होता है, बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। क्या मोहसिन के पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं या नहीं, आज जान जाएंगे। आइए मिलते हैं मोहसिन से। मोहसिन, थैंक यू सो मच। कब से चाह रही थी कि बैठूं और कब करूं, एग्जैक्टली है ना? मुझे बताओगे उडीजा की कहानी एक्चुअली क्या है? ये जो गाना है जी, जो रियली वेंट एक्सट्रीमली वेल, मगर उसके पीछे क्या था? उसके पीछे जो है वो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का, मेरे 31 साल का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है अब तक का, क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअल है और मुझे कभी कभी बिल्कुल यकीन नहीं आता कि मुझे चुना गया उसके लिए, और वो किसी और को भी दिया जा सकता था, वो कोई भी हो सकता था, एंड आई फील ट्रूली ब्लेस्ड कि मुझे चुना गया उडीजा लिखने के लिए। याद है मैं कराची में था और वो मेरे वो दिन थे, स्ट्रगलिंग पीरियड था सारा, मैं बिल्कुल अकेला रहता था वहाँ पे, और वो एक बाउंड बन रहा था मेरा खुदा से एक अलग तरह का, क्योंकि जब कोई नहीं होता तो यू नीड समवन कि जिसके साथ आप अपने फियर्स एंड ऑल यू नो शेयर करते हैं आप, तो वो एक वो जो स्ट्रगलिंग पीरियड है वो इटसेल्फ एक लंबी स्टोरी है, लेकिन उसमें से जब ये उडीजा का पार्ट शुरू होता है तो मुझे याद है कि हम लोग जो हमारे दोस्त थे, जब हम BNN और फोर मैन शो वाली एक टीम थी हमारी, हम लोग दो दरिया वाली साइड पे खाना खाने गए हुए थे रात में, तो जब हम खाना खा चुके और वहाँ से निकले तो वो बड़ी खूबसूरत रोड्स हैं और सब लोगों ने देखी होगी ऑलमोस्ट, जो कराची जा चुके हैं वहाँ पे, तो मैं और मुबीन एक गाड़ी में थे, मुबीन जो मटकू का करेक्टर करते थे, शाहरुख खान का करेक्टर करते थे BNN में, तो आई वॉज इन हिज कार, तो हम जा रहे हैं और मैंने उसने म्यूज़िक ऑन कर दिया, मुझे वो गाना याद नहीं है कि वो कौन सा गाना था, और मैंने थोड़ा सा शीशा नीचे किया और हवा जब लगना शुरू हुई चेहरे पे, और खाना खाया हुआ था तो एक नीम गनूदगी का सा कुछ था, और मैं टेक लगा के सीट ईजी करके पीछे को लेट गया थोड़ा सा, और मेरी आंखें खुद ही बंद होना शुरू हुई, एंड आई फेल्ट के जैसे मैं खुद ही से निकल के और मैं हवा में मुअल्लक होना शुरू हो चुका हूँ, और मैंने खुद को और मुबीन को और उस गाड़ी को यूं ऊपर से देखना शुरू किया, और एक बर्ड आई व्यू बनना शुरू हुआ, और यूं ही जाते 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 वो आसमान और उसके पार चला गया, और फिर सब कुछ एक बहुत छोटा छोटा होता चला गया, और जब मेरी आंख खुली तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये दो वर्ड्स थे, उडीजा। पूरा गाना कहीं नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये गाना है। आई वॉज सिंगिंग और ये कहते कहते मुबीन ने मुझे मेरे फ्लैट के बाहर उतारा। अब मैं वही गुनगुनाते मैं अपने कमरे में गया, तारीख सी राहदारियों में से होता हुआ मैंने जाके ताला खोला जिसकी आवाज़ गूंजी वहाँ पे, फिर मैं अंदर गया और मैं अपनी तरफ से सोने की ही कोशिश कर रहा था, लेकिन ये गाना चलना शुरू हो चुका था तो इसने मुझे उठाया। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन होता था तब, सोनी एरिक्सन का, तब उसके अंदर मैं, अब मुझे आदत है कि जब मैं कुछ लिखने लगता हूँ तो मैं वॉक करना शुरू कर देता हूँ, तो अब मैं उठ गया, वो कमरा छोटा था मेरी वॉक के लिए, तो मैं फिर अपने फ्लैट से नीचे उतर आया। मैं गुलिस्तान जौहर में रहता था कराची में, तो जो लोग वाकिफ़ हैं गुलिस्तान जौहर से तो उसके जो दो रोड्स हैं बीच में एक डंडी सी जाती है उस पर, तो मैंने उस पर वॉक करना शुरू किया एक पुल से दूसरे पुल तक, और रात के कोई 2-3 बज रहे होंगे, अब मैं वॉक कर रहा हूँ और वो आना शुरू हो रहा है, और मैं साथ साथ उसकी जो भी लाइन आ रही है वो रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ, और उसकी अस्थाई बन गई। अब ये प्रोसेस कोई 1-1.5 महीने चलता रहा,
मतलब मैंने कोशिश भी नहीं की इस गाने को लिखने की, क्योंकि शायद ये कोशिश से लिखा भी नहीं जाना था। जब इसका वक्त था, जब इसकी अता का वक्त था, जब इसकी आमद का वक्त था, ये मुझे खुद उठाता था और रात में ही उठाता था, जब मैं काम शाम से फारिग होके आ जाता था, और फिर ये मुझे सड़कों पे ले जाता था और फिर मैं वॉक करना शुरू करता था, तब ये उतरता था। और एक अस्थाई एक अंतरा इसका मुकम्मल हुआ और मुझे लगा यही है मुकम्मल गाना, और ये बन के लिखा गया और मेरे पास पड़ा रहा काफ़ी अरसे तक। फिर मेरी मुलाकात जाफ़र से हुई और मुझे लगा कि शायद हम एक ही फ्रीक्वेंसी पे हैं दोनों, इस गाने को लेके भी और वैसे भी स्कूल ऑफ थॉट को लेके भी। हम बैठे रहे, कुछ गपशप होती रही हमारी और इस गाने का जिक्र छिड़ा। मैंने उनको ये गाना सुनाया तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। फिर हमने इसके रफ़ वोकल्स किए और वो रफ़ वोकल्स, मतलब इस गाने का ड्यूरेशन, इसकी मेकिंग का भी, इसकी आमद का भी बहुत तवील है। मतलब वो गाना रिकॉर्ड मैंने कर दिया, रफ़ वोकल्स हो गए। अब इसको हुए भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो शायद एक साल तो हो गया कि ये मैं जब भी जाफ़र को फ़ोन करता था तो ही वॉज लाइक कुछ है, कुछ आ रहा है, कुछ टाइम चाहिए कुछ। और मुझे भी ट्रस्ट था ज़ाहिर है, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, तो ऐसे ही करते हैं, आप लें, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई ऐसा गाना फ़ौरन लॉन्च नहीं करना। तो इस गाने ने बहुत टाइम लिया तब भी बनते हुए भी। अब फिर जब वो बन भी गया, नैयर आपा को बहुत अच्छा लगा, मुझे वहाँ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, नादे अली भाई को बहुत अच्छा लगा, मतलब वहाँ घर पर जिसने सुना उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। और जब ये गाना फिर बन गया, अब ये मेरे पास आ चुका है ऑडियो फॉर्म में, रफ फॉर्म में, और अब मैं डिस्कस करना शुरू कर चुका हूँ नबील से कि नबील इसका वीडियो करते हैं। तो हम अब इसका वीडियो प्लान कर रहे हैं। बीच में नामालूम अफराद वन आ गई, फिर उसका शूट शुरू हो गया, मैं लाहौर आ गया, फिर वो फासला हो गया कराची और लाहौर का। लेकिन हम फिर भी प्लान कर रहे हैं कि चलें इसको टर्की में जाके करते हैं, इसको मुल्तान में करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। इसका वीडियो प्लान करते रहे, वो डिले होता रहा, वो होते होते हम लोग एक दिन कोक स्टूडियो तक पहुंच गए, जहां के लिए ये गाना शायद, जिस प्लेटफॉर्म से ये गाना लॉन्च होना था एक्चुअली। इसके पीछे भी ये है कि मैं गया था, मुझे किसने रिकमेंड किया था, नबील ने ही रिकमेंड किया था जुल्फी भाई के पास जाने के लिए, फॉर द नेस्कैफे बेसमेंट। मैं तब लाहौर में नया था, तो मैं बस अपनी बेगम के साथ ही, क्योंकि उनको रोड्स का पता है, शी इज़ फ्रॉम लाहौर, तो वो मेरी गाइड हैं हमेशा से। तो वो मुझे लेके पहुंची, हम उनके स्टूडियो पहुंचे, बहुत अच्छी मीटिंग हुई, हमने गाना भी डिसाइड कर लिया। बेपरवा ढोला जो मेरा पहला गाना था वो उन्होंने सुना वो एक्चुअली उन्होंने सुना हुआ था, फिर मैंने उनको ये सुनाया, डीजे सुनाया कि ये हम करते हैं इसके लिए। तो जुल्फी भाई ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना नेस्कैफे बेसमेंट के लिए नहीं है, इसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए जो कोक स्टूडियो की तरह का, और वैसे भी यहाँ पर हम मोस्टली नए लोगों के साथ करते हैं, तो यू आर ऑलरेडी नोन, तो आप इसको वहाँ ले जाएं। उन्होंने आई गेस फिर बात की बिलाल भाई से और होते होते ये गाना उन तक पहुँचा। फिर जाफ़र भी ज़ाहिर है उन तब प्रोड्यूस कर रहे थे उसमें, कोक स्टूडियो के उस सीज़न में। तो फिर जब फाइनलाइज हो गया तो जाफर ने मुझे कॉल की कि इसका एक और अंतरा चाहिए हमें, क्योंकि ये गाना कोक स्टूडियो के लिए छोटा है। और मुझे याद है कि मैं, मेरा जवाब था कि आपको पता है आजकल मैं क्या लिख रहा हूँ, सर क्या? मैंने कहा मैं मज़ाकरात के लिए पॉलिटिकल सटायर लिख रहा हूँ, मैं बहुत अजीब से फ़नी से रैप्स लिखता हूँ, और मैं पैरोडी सॉन्ग्स लिख रहा हूँ, मैं आजकल बिल्कुल ही किसी और जोन में हूँ। तो आपको लगता है कि मैं उस दौर से रिलेट कर पाऊँगा, 3 साल पहले या 2 साल पहले वाला जो एक स्टेट ऑफ माइंड था, जो एक लोनलीनेस थी, या जो एक, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहा चाहिए तो अब क्या करें। मैंने कहा मैं फिर से कोशिश करता हूँ, लेकिन ये कोशिश से लिखा जाने वाला नहीं है। तो मुझे याद है मैंने फिर कोशिश नहीं की, मैंने फिर दुआ की कि मुझे फिर से ये अता कर दें, मैं नहीं लिख पाऊँगा कोशिश से, क्योंकि ये कोशिश से लिखा जाने वाला ही नहीं है। मैंने दुआ की और फिर मैं यूँ ही, तब मैं ड्रीम विलाज एक सोसाइटी है यहाँ पे, वहाँ रहता था, और फिर मैं वहाँ पे, वो एक बिल्कुल खामोश सी सोसाइटी थी, मैं रात को वहाँ से
फातिमा को कमरे में छोड़ के, घर पे छोड़ के, मैंने कहा मुझे 2 मिनट दे दें ताकि मैं क्योंकि वो फिर वो उसके लिए वही माहौल वापस, और फिर मैं बाहर आ गया, फिर मैं वॉक करता रहा कि किसी तरह। और फिर जब उनको खुद ही मुझ पर रहम आया और उन्होंने खुद ही अता की इजाज़त दी, तो उन्होंने वो मुझे उसका दूसरा अंतरा भी अता किया। और फिर मैंने जाफ़र को बहुत उसी वक्त, लेट भी नहीं कर पाया, मैं इतना एक्साइटेड था कि लिखा गया है, मैंने उनको कॉल की और मैंने उनको बताया कि ये रेडी है, तो वो भी बहुत खुश हुए कि फाइनली बन सॉन्ग।